आज के इस वीडियो में मैं आपको एक प्योर इंट्राडे स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। आप इसे सिंपल कैंडलस्टिक चार्ट का उपयोग करके ऑप्शन ट्रेडिंग, बैंक निफ्टी या फिर स्टॉक के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यह बहुत ही परफेक्ट इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। उससे पहले आप डिस्क्लेमर जरूर रीड कर ले। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है तो ये रूल्स जरूर फॉलो करना चाहिए। पहला, डिसिप्लिन के साथ अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को फॉलो करें। दूसरा, सुबह के 9:30 से पहले कभी भी ट्रेड न करें और हमेशा स्टॉप लॉस का उपयोग करें। अपनी कैपिटल का 1% से अधिक लॉस कभी न लें। तीसरा, ट्रेंड को फॉलो करें, दिन की ट्रेंड के खिलाफ कभी भी ट्रेड न करें। चौथा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें। पांचवा, लालच और डर पर नियंत्रण रखें और लॉस रिकवर करने के लिए ट्रेड न करें। डेली का लॉस डिसाइड करें एंड लास्ट डेली ट्रेड न करें। सेटअप का वेट करें। आइए स्ट्रेटजी के बारे में देखते हैं। इस स्ट्रेटजी में हमें 2 इंडिकेटर की जरूरत होगी और उसकी कुछ सेटिंग चेंज करना पड़ेगा, जो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा एंड साथ में टारगेट और स्टॉप लॉस एंड रूल्स भी बताऊंगा। तो आप इस ये वीडियो को पूरा वाच करें। इस स्ट्रेटजी में 4 टाइप कैंडलस्टिक चार्ट। इंडिकेटर में पहला बोलिंजर बैंड्स, दूसरा MACD रहेगा और टाइम फ्रेम 15 मिनट्स का होगा। बस सिंपल से सेटिंग है उसे, आइए देख लेते हैं चार्ट पे कैसे लगाएंगे। इस चार्ट में हम सबसे पहले MACD और बोलिंजर बैंड्स की मदद से इंट्राडे स्टॉक को बाय करेंगे, जिसमें आपको थोड़े बदलाव करने होंगे। सबसे पहले बोलिंजर बैंड्स के सेटिंग में जाए और उसका लेंथ साइज 20 दिखेगी, उसके जगह 22 करना है। अब आपके दिमाग में बात आएगी कि 22 ही क्यों, तो हम आपको बता दें कि एक महीने में एवरेज 22 ट्रेडिंग डे ही होते हैं, जिसमें मार्केट खुले रहते हैं। बाकी बचे दिन संडे, सैटरडे और किसी अन्य छुट्टी के कारण बंद रहते हैं, इसलिए मैंने बोलिंजर का लेंथ 22 दिन चुना है। इसके बाद अब आप एक और इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि एक इंडिकेटर से हम ट्रैप ज्यादा हो सकते हैं, इसलिए इन्हें फिल्टर करने के लिए हम MACD को इस्तेमाल करेंगे, जिसका सेटिंग में डिफॉल्ट रहेगी, कोई बदलाव नहीं होगा। चूंकि आप जानते होंगे कि इंट्राडे एक ही दिन के अंदर ट्रेड बाय और सेल होता है, इसलिए हमारा टाइम पीरियड भी छोटा होना जरूरी है, जिसके लिए हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम इस्तेमाल करेंगे, ताकि उसी दिन ट्रेड से स्क्वायर ऑफ हो जाए। इस टेक्निकल चार्ट की मदद से ट्रेड लेते समय आपको 3 बातें जरूर ध्यान रखना चाहिए, जिसको मैंने आगे चार्ट में बताया है, तभी आप अच्छा रिजल्ट पा सकेंगे। MACD का सिग्नल लाइन बार ग्रीन होने के साथ क्रॉस करना चाहिए, जिससे यह साबित होता है कि अभी बाय मार्केट में एंटर करना चाहते हैं। MACD पूरी तरह ऊपर की तरफ क्रॉसओवर रहना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि MACD थोड़ा लेट से सिग्नल देता है, इसलिए इसके रिजल्ट भी काफी प्रभावी होते हैं। यह पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिसमें बोलिंजर बैंड्स का मिडिल लाइन के ऊपर कोई ग्रीन कैंडल क्लोज देना जरूरी है, और आप तब तक ट्रेड नहीं खरीदेंगे जब तक कि कोई दूसरा कैंडल उसके हाई प्राइस को ब्रेक ना कर दे। जैसे ही यह 3 मुख्य शर्तें पूरी होंगी, आप उस ट्रेड में एंटर हो सकते हैं। अब बात आती है टारगेट स्टॉप लॉस और प्रॉफिट बुक करने की, उसके लिए हम कुछ एग्जांपल और रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहले आइए देख लेते हैं बोलिंजर बैंड्स एंड MACD में लाइन कौन कौन से होती है। नीचे आप चार्ट पे देख सकते हैं, इसे अच्छे से पहचान ले, जिससे आपको एंट्री एग्जिट में आसानी होगी। अब बारी आती है प्रॉफिट को लॉक करने की, तो इसके लिए आप इंट्राडे के नियम के मुताबिक 1-2% मुनाफा आते ही स्टॉक को बेच दे, या फिर बोलिंजर बैंड्स के ऊपरी बैंड को जैसे ही प्राइस टच करे तो अपने ट्रेड से एग्जिट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप 2 तरीके से लगा सकते हैं। आप अपने कैपिटल के 2% नीचे सेट कर दे, या फिर चार्ट में जो कैंडल सबसे नीचे की तरफ है उसके लो प्राइस के थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस सेट कर दे, या फिर ATR इंडिकेटर का भी मदद ले सकते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स के साथ चार्ट पे देखते हैं। नीचे निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है, जिसका टाइम फ्रेम 15 मिनट्स है एंड इंडिकेटर्स के सेटिंग जो सेटअप बताया है वही है। 18 अगस्त 14 बजे को MACD क्रॉस किया और साथ में बार भी ग्रीन थी एंड सेकंड बोलिंजर बैंड में मिडिल लाइन के ऊपर ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग किया। हमारा सेटअप कंप्लीट। अब हमें आगे बने वाली कैंडल बोलिंजर बैंड के मिडिल लाइन के ऊपर बानी ग्रीन कैंडल के हाई को ब्रेक करती है, तो हमारी एंट्री होगी स्टॉप लॉस प्रीवियस कैंडल का लोअर और टारगेट बोलिंजर बैंड की ऊपर लाइन होगा। इस सेटअप में निफ्टी 17,915 से 17,955 तक मूव किया, जिसमें हमको 40 पॉइंट मिले। सेल साइड के लिए अपोजिट रूल्स होंगे, जिसका एग्जांपल्स नीचे बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है, जिसका टाइम फ्रेम 15 मिनट्स है एंड इंडिकेटर्स के सेटिंग जो सेटअप बताया है वही है। 19 अगस्त 10:30 बजे को MACD क्रॉस किया और साथ में बार भी रेट थी एंड सेकंड बोलिंजर बैंड में मिडिल लाइन के नीचे रेड कैंडल ने क्लोजिंग किया। हमारा सेटअप कंप्लीट। अब हमें आगे बने वाली कैंडल बोलिंजर बैंड के मिडिल लाइन के नीचे बानी रेड कैंडल के लो को ब्रेक करती है, तो हमारी एंट्री होगी स्टॉप लॉस प्रीवियस कैंडल का हाई और टारगेट बोलिंजर बैंड की लोअर लाइन होगा। इस सेटअप में बैंक निफ्टी 39,425 से 39,300 तक मूव किया, जिसमें हमको 125 पॉइंट मिले। लिक्विड स्टॉक का चयन करें। अगर स्टॉक 2% से ज्यादा मूव हो चुका है तो उसे अवॉइड करें। स्ट्रेटजी को पेपर पर प्रॉपर प्रैक्टिस करें। यह स्ट्रेटजी आपके केवल एजुकेशन के लिए बनाई गई है। अगर आप किसी भी तरह का ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात करें।
वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हाँ, अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूले।